चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। यहाँ तो कुछ नहीं है, खाली पड़े सब मजदूर बेचारे, हालत खराब है मजदूरों की। यहाँ अब लोगों की मजदूरी मिले मजदूरों को तो आज में कुछ पेट पल्ला पाले भी, जब कहीं से मजदूरी नहीं मिलनी, हिलने नहीं मिलना, लोगों को कहाँ से क्या करेगा, भूखा नहीं मरेगा आदमी। जो लग भी रही तो वो पैसे कम देवे भाई, करना होकर अपने अपने निकल भाई। तो मोहसिन जी क्या काम करते हो यहाँ पे? सिलाई का काम करते हैं भैया। अच्छा, मिस्त्री हो मजदूर हो? मिस्त्री। अच्छा, तो कैसे क्या हालत है यहाँ पे मजदूरों की? यहाँ तो कुछ नहीं है, खाली पड़े सब मजदूर बेचारे, हालत खराब है मजदूरों की यहाँ। अच्छा, तो कितने दिन से यहाँ पे मजदूर बैठ रहे हैं? अब लॉकडाउन खुला जैसे कितने दिन हो गए? ये 10-12 दिन हो गए ना। अच्छा, तो काम वाम कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे? काम नहीं मिल रहा किसी को भी? सब परेशान है, बिल्कुल परेशान है यहाँ पे। अच्छा, काम मिला नहीं आज? देख रहे अभी काम। तो कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे फटते पे रोज? 8-10 दिन हो गए। तो 8-10 दिन में कितने दिन काम मिला? दो दिन काम मिला। और जो लॉकडाउन में 2-2.5 महीने घर रहे, उसमें कैसे चला घर का काम? उधार सुधार ले लिए, कुछ चीज भी डाल ली। अच्छा, आज अब काम लग जाएगा, देखो उधार के बिता रहे हैं काम दे दे ऊपर वाले। भाई जब से लॉकडाउन खुला मजदूर आवे बाहर से, कोई कहीं से आवे, इसलिए मजदूरी कहीं से लग नहीं रही। आदमी सोचे 2 पैसा का रोजगार मिल जाए, हिल्ला मिल जाए लोगों को। तो कितने दिन से काम नहीं मिल रहा आपको? यही होगा कोई 10-15 दिन तो हो गए जब से लॉकडाउन खुला है। अच्छा, खाते में कौन डाल रहा? अच्छा, 1-1 हज़ार रुपये कह रहे थे वे, आए क्या? अब पता नहीं आए नहीं आए, हम तो आए नहीं, दे नहीं सकते। मजदूरी कार्ड में भी बैंक में पैसे नहीं आए हमारे। मजदूरी कार्ड बन रहा? हाँ जी, फीस भी जमा है। हाँ जी। अच्छा, अब पैसे नहीं आए? अभी तक पैसे नहीं आए। अभी अब समस्या पता नहीं उन्होंने आधार कार्ड वगैरह सब लगाए या नहीं लगाए, पर हमने दे दिए। तो अब लोगों की मजदूरी मिले मजदूरों को तो आज में कुछ पेट पल्ला पाले भी, जब कहीं से मजदूरी नहीं मिलनी, हिलने नहीं मिलना लोगों को, कहाँ से क्या करेगा, भूखा नहीं मरेगा आदमी। इस पे लेबर अड्डे पे कितने सालों से काम कर रहे हो? बचपन गुजर गए थे यहाँ से, बचपन से आ रहे हो? हाँ जी। तो पहले काम मिल रहा था लॉकडाउन से पहले यहाँ पे? हाँ जी, थोड़ा वो तो चलो जाता काम पहले तो। और जैसे ये लॉकडाउन के बाद दोबारा लेबर अड्डा शुरू हुआ है यहाँ पे, सारे मजदूर इकट्ठा होने लगे? फिलहाल तो कोई काम नहीं आया जी, अपना थोड़ी बहुत दे रहा, फिर अपना घरों चले जाऊँ, अपना 10-11 बजे तक बाट देखा, फिर घर चले जाओ। 10-11 मिला दिनों में? ना जी, फिलहाल तो कोई काम नहीं चल रहा जी, तो खाली आते जा रहे हो? खाली आते जा रहे, कोई काम नहीं है। तो क्या मजदूरी के रेट भी गिरे हैं कुछ? हाँ जी, मजदूरी के सारे रेट गिर गए, तो फायदा ठहरे। कितना अगर बताओ? भाई 200 रुपये में भी चले जाओ मजदूर बेचारा, जो जिसके पास पैसे नहीं है, और 100-150 में भी चले जाओ, तो घर में तो रोटी देनी है बच्चों को, इस वजह से जो है अपना चले जाओ गरीब आदमी बेचारा। हाँ जी। अच्छा, अभी कितने मजदूर यहाँ पे रोज आ रहे हैं लगभग? ये आ रहे 50-60-70 आदमी। और कितने मजदूर बिना काम के वापस जा रहे हैं? सारे वापस चले जा रही है, 1 आदमी का लगा काम वो भी, अरे सारे वापस जा अपने घरों बेचारे। अच्छा, कोई यूनियन है यहाँ पे मजदूरों की? यहाँ कोई फिलहाल कोई यूनियन नहीं आया। अच्छा, अगर आपको क्या लगता है अगर यूनियन होती यहाँ पे तो कुछ, मतलब जैसे मजदूरी कम मिल रही है, मजदूरी के जो मुद्दे है वो हल होते हैं? बताऊँ, मजदूरी फिक्स हो जाए तो यही हो जाएगा, लगभग 500 रुपये मजदूरी है तो 500 मिले। हाँ दे दो जी, 3 बजे लोग का बांट दे, कुछ यहाँ कोई काम नहीं है। और जो काम कोई तो एक तो दोस्त है, मैं सब बांट दे, कुछ कोई मजदूरी मिले, पर किसी की यहाँ मजदूरी लगती नहीं। हर जो लग भी रही तो पैसे कम देवे भाई, करना होकर भाई अपने निकल भाई, फिर करना पड़ रहा हमें मजबूरों की, अपने पेट के लिए अपने बच्चों के लिए हमें करना पड़ रहा,
ये दिक्कत हो रही। तो कहाँ से आते हो तुम लोग? ये हम तो जाने से परे के हैं जी, और अभी बस की भी प्रॉब्लम हो रही है, बस अभी बहुत कम चल रही है, तो उसमें किराया भी फालतू लगा है। कैसे आए यहाँ पर? हाँ जी डबल ले रही है। हाँ जी 40 ले रही जी, पहले 20 रुपये ले थी रोडवेज, अच्छा अब 40 रुपये ले जी। यानी एक दिन की दिहाड़ी लगी तो किराए भाड़े में निकल रही, ये बात हो रही है। बहुत प्रॉब्लम, इतनी समस्या हो रही है, कहने की आदमी सरकारी कह तो रही है, सरकार के भी हम बहुत कुछ दे रहे, पर हमें तो लग नहीं रहा कुछ ऐसा हो भी रहा है। 20 लाख करोड़ का पता नहीं वो कहाँ गया, 20 लाख करोड़ कोई पैसा नहीं मिला आज लोग।